देखिए, जो भी सुसाइड नोट उनकी महिला मित्र ने जो लिखा है उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। जो भी तथ्य सामने आएंगे इसमें कोई राजनीति का प्रश्न ही नहीं है, और सच सच होता है। जो भी जांच जो चल रही है उसमें सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। कांग्रेस को हमेशा देखो, जो व्यक्ति जिस विचारधारा का होता है उसको वैसा ही दिखता है। कांग्रेस ने हमेशा ऐसी राजनीति में विश्वास रखा है, इसलिए कांग्रेस के लोग के पास इसके अलावा और कोई बात नहीं हो सकती है। कमलनाथ कह रहे हैं कि हनी ट्रैप की सीढ़ी रखी है उनके पास। अगर सीढ़ी रखी थी तो वो सरकार में थे, उन्होंने क्यों नहीं निकाली? ये सब वैसी सुगुफेबाजी है और ये ऐसी बात नहीं करना चाहिए कमलनाथ जी जैसे व्यक्ति को। सचमुच में तो ये कमलनाथ जी को अंदर से बड़ा ठेस है कि वो अपनी सरकार को स्टेबल नहीं रख सके, अपने लोगों को संभाल के नहीं रख सके। वो कहते हैं कि नहीं कि आछे दिन पाछे गए, अरसे ने किया वो आछे दिन पाछे गए, और ऐसा कुछ है। संभाल नहीं पा रहे लोग हाँ, तो अपना। जिस प्रकार से मतलब जो उनको प्रदेश की जनता ने जो एक अवसर दिया था, मौका दिया था, वो अपने घर को नहीं संभाल सके, और जो व्यक्ति घर को नहीं चला सका वो प्रदेश को क्या चलाएगा? और दूसरी बात, एक बात अवश्य कहूँगा कि देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री बने कि उनकी आवाज़ पर पूरा देश उठ खड़ा होता है, एक आवाज़ पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी का दिल से रिश्ता है प्रदेश की जनता से, एक परिवार की तरह उन्होंने प्रदेश की जनता को माना है। इसलिए अब कमलनाथ जी का जो अंदर से जो क्रोध है वो छटपटाहट है, वो स्पष्ट झलकती है। हकीकत में ये है कि कांग्रेस कभी गरीब हितैषी नहीं रही, और सच्चाई की बात ये भी है, कमलनाथ जी को क्या पता गरीबों के दर्द का। वो जितने भी समय मुख्यमंत्री रहे वो वल्लभ भवन से कभी बाहर नहीं निकले, इसलिए उनको प्रदेश की जनता की बद्दुआ लगी। इसलिए और उनका संघार का बचाव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, सच्चाई तो ये है कि जो हकीकत है वो सामने आना चाहिए, और सच सच होता है। अगर वो दोषी है तो जांच में सारे तथ्य आएंगे, और निर्दोष हैं तो भी तथ्य सामने आएंगे। इसलिए जांच में हमें भरोसा करना चाहिए, कोई किसी की व्यक्तित्व कोई वो नहीं है लड़ाई के। इसको कांग्रेस तो हर तरह को ऐसे ही, कांग्रेस मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जिस तरह से कांग्रेस कोरोना संक्रमण के समय, देखिए इनकी दोहरी नीति स्पष्ट जनता सब जानती है, ऐसा नहीं है जनता जानती नहीं होती, तो बहुत सारे बदलाव जनता ने जो किए। आप ये देखें कि जहाँ कांग्रेस की सरकार है उन राज्यों में जो केंद्र को दोषी मार रहे हैं संक्रमण के लिए, और जिन राज्यों में इनकी सरकार नहीं है वहाँ राज्य सरकार को संक्रमण में दोषी मान रहे हैं। तो इसलिए ये कुल मिला के ये कि ये सेवा भाव से कभी भी जब भी ये सत्ता में रहें, ये सुख भोगी कांग्रेस पूरी तरह देश के अंदर से समाप्त होती जा रही है, इसका पड़ा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।